मैं ना एक घंटे से यहाँ बैठी हूँ, कभी कोई फॉर्म साइन, कभी मेरा बैग चेक हो रहा है, पूरा बैग चेक, उस पे सब पे मास्किंग, कपड़ों पे मास्किंग, मेरा मेकअप प्रोडक्ट सारे उन पे मास्किंग। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों। What's up guys, क्या हालचाल? जैसा कि आप सबको पता है कि बिग बॉस हाउस में हुआ था फैमिली वीक, और फैमिली वीक में हम भी गए थे, हमें भी इनवाइट किया था बिग बॉस ने। और सबसे बड़ी बात, इनवाइट तो किया ही किया, हमें स्पेशल प्रिविलेज भी मिली, नाइट स्टे करने का मौका मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों के साथ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां रहने का। यहां से मेरे को निश्चय लेके गया था अपने साथ। हम लोग वहां पे लैंड हुए 2 बजे, गाड़ी आनी थी 3:30 बजे। 3:30 बजे उन्होंने मेरे को पिक करा, बिग बॉस वालों ने मेरे को लोकेशन पे लेके गए, और लोकेशन से थोड़ा पहले उन्होंने मेरे को वैनिटी वैन में बिठा दिया। तो मैं बिग बॉस के सेट पे पहुंच गई हूँ, लेकिन अभी मेरी टर्न नहीं है, थोड़ा टाइम बाकी है। और मुझे इन्होंने ना वैनिटी वैन में बिठा दिया कि आपने अगर और रेडी होना है तो हो जाओ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बाद हम आपको अंदर जाने की परमिशन देंगे। ये कॉफ़ी मुझे इन्होंने दी है कि आप आराम से बैठ के कॉफ़ी पियो, फिर जब आपकी टर्न आएगी तो आपको बुलाएंगे। ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं होटल से आ रही थी ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो एकदम चिल हूँ कि ठीक है, अब मिलना है बेटे से। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। मैं ना एक घंटे से यहाँ बैठी हूँ, कभी कोई फॉर्म साइन, कभी मेरा बैग चेक हो रहा है, पूरा बैग चेक, उस पे सब पे मास्किंग, कपड़ों पे मास्किंग, मेरा मेकअप प्रोडक्ट सारे उन पे मास्किंग। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरी नाइकी की चप्पल, उस पे भी उन्होंने मास्किंग कर दिया। वो मैं हटाऊंगी टेप तो वो सारी चिपचिप हो जाएगी और सारा नाइकी का जो लोगो है वो निकल जाएगा। सबके पेरेंट्स होके चले गए हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे ये सबसे एंड में भेजेंगे। अभिषेक को पूरी वेट करवाएंगे कि वो मतलब हो जाए डिसअपॉइंट कि अब मेरे तो घर से कोई नहीं आ रहा। और सब फॉर्मेलिटीज़ होगी, मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करा और वैनिटी वैन से लोकेशन तक मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करके लेके गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए, वहाँ से सेट तक 15 मिनट लगे हमें। जैसे ही मैं एंटर करी, अभिषेक की माता जी डिंपल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बिग बॉस आप सभी को ये भी बताना चाहते हैं कि डिंपल जी आज ओवरनाइट बीबी होटल में ही रहेंगी। अरे जब बिग बॉस ने मेरा स्वागत करा और फिर अनाउंसमेंट हुई कि आज मैं स्टे करने वाली हूँ, तो सब लोग खुश हो गए। उन्होंने वॉशरूम मेरे लिए अलग रखा था, ओनली फॉर गेस्ट वॉशरूम था। सबसे मिले, सबसे बात बात करी, फिर मैंने सबको अपने साथ बिठाया, क्योंकि शायद बिग बॉस में पहली बार था। ये सब ने बोला, सारे कंटेस्टेंट्स ने बोला कि ये पहली बार है आंटी जब हम सब लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं। मेरे लिए वो मफिन्स आए हुए थे, तो मैंने सबको एक एक मफिन दिया। वो सिर्फ गेस्ट के लिए थे, वो उनको नहीं खाने थे, लेकिन मैंने बांट दिए और सबने खा भी लिए। और सबने खा तो लिए, लेकिन उधर से बिग बॉस की अनाउंसमेंट हुई। खाने और राशन की जो सामग्री गेस्ट्स के लिए भेजी जा रही है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आई हो। डिनर का टाइम हुआ, डिनर पे फिर वही स्पेशल प्रिविलेज, मेरे लिए सैलेड काटा गया, तो मैंने सबके साथ शेयर करना चाहा, किसी ने नहीं खाया। लेकिन अभिषेक ने मुझे ये बोला कि मम्मी 52 डेज के बाद आज खीरे की शक्ल देखी है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, एक भी पीस नहीं खाया। थोड़ा डर होता है ना बिग बॉस का कि फिर ना कहीं पनिशमेंट मिल जाए। खाना खाने के बाद फिर से हम बैठे, मैंने अभिषेक से बातें करी, बहुत सी बातें करी, सब लोग सोने चले गए, तो हम लोग फिर बातें करते रहे, क्योंकि इतने टाइम बाद मैं अभिषेक से मिली थी तो बहुत सी बातें थी करने वाली, मन ही नहीं भर रहा था। वही एक लिमिट होती है, उसको भी फिर नींद आ गई। पता नहीं कि टाइम क्या था, क्योंकि वहां पे ना तो घड़ी है, ना ही किसी के पास फोन है, ना टीवी है,
कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता टाइम का। सुबह जब एकदम से वो मॉर्निंग बेल बजती है ना, तो बिल्कुल अभिषेक के ना पर इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, एकदम से आवाज आई, जोर से स्पीकर बजा और मैं इतना सच में डर गई कि सुबह सुबह इतनी, और मैं भूल ही गई थी कि मैं बिग बॉस हाउस में हूँ। फिर हम उठे, डांस वांस करा और थोड़ी देर मैंने बैठ के बात करी और फिर मैंने अभिषेक को बोला कि ये ना हो कि बिग बॉस मुझे अनाउंसमेंट कर दें कि आपका टाइम हो गया, तो मैं नहा ही लेती हूँ। और वही हुआ, जैसे ही मैं नहा के निकली हूँ तो मैं अभी रेडी हो रही थी तो बिग बॉस की अनाउंसमेंट हो गई, आपका टाइम हो गया है। तो चलो जी, उसके बाद फिर वही स्टार देना था, बस ये दिया और हमारा काम खत्म हो गया और बिग बॉस जर्नी हमारी इतनी थी। और सच्ची बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ एक दिन स्टे करके, पर एक दिन स्टे था ना इसलिए अच्छा लगा, जो इतने इतने दिनों से रह रहे हैं उनको पूछो उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि खाना लिमिट में मिलता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को मतलब जब तक लाइट्स ऑफ ना हो वो सो नहीं सकते। सो गाइज, अभी सुबह के 10:45 हुए हैं और मेरे को एग्जिट मिल गई है बिग बॉस हाउस से, और अभी मैं यहाँ पे वैनिटी वैन में बैठी हूँ। कल कोई और थी वैनिटी वैन, आज कोई और है, तो अभी मेरे को यहाँ पे बिठाया है, मेरा इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरे को होटल में ड्रॉप करेंगे। मुझे एक्सपेक्टेड था कि अभी थोड़ा टाइम लेंगे, 1-2 बजे तक निकालेंगे, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, बस थोड़ी देर बैठे बातें बातें करी। अभी मैं रेडी हो रही थी और बिग बॉस की अनाउंसमेंट हो गई, डिम्पल जी आपके जाने का वक्त हो गया है, तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि इतनी जल्दी। मेरे को तो इन्होंने बोला था कि 2 बजे तक, जैसे ही मतलब होटल का चेकआउट होता है तो उस हिसाब से होगा, लेकिन जो 10:45 इन्होंने मेरे को आउट कर दिया लेकिन बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिग बॉस से एग्जिट करने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद अब मैं जा रही हूँ होटल वापस, और भैया मेरे को छोड़ रहे हैं। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी इन्होंने ही मेरे को प्रोवाइड कराई थी, तो थैंक यू इंडियामॉल, थैंक यू जियो सिनेमा और थैंक यू बिग बॉस, बहुत मज़ा आया। फाइनली आई एम हेयर, आ गई मैं वापस बिग बॉस से और अब चलते हैं रूम में। निश्चय अभी सो रहा है तो मेरे को रिसेप्शन से की लेनी पड़ेगी। 12 बजे, आई थिंक 12 बजने में भी अभी 10 मिनट थे, उन्होंने मुझे ड्रॉप करा होटल में और फिर मैं होटल में आई और निश्चय के साथ पूरा मुंबई घूमी। तो बस ये थी मेरी बिग बॉस की एक दिन की जर्नी, और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ बिग बॉस को जिन्होंने मुझे इतनी स्पेशल प्रिविलेज दी, और बस दैट्स व्हाट। इश्क चेचना सा चलड़ तेरे प्यार दिया मुला कतानू बस दिल तरसन तेरू तड़पन किदा समझावा तेनू प्यार दिया राहा विच वे यार दिया बाहा विच वे।